ओके हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड शॉर्ट सर्किटिंग इन सी लैंग्वेज। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की बेसिक। हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स और कौन कौन से टाइप के हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो इनके ट्रुथ टेबल्स क्या होते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स कैसे वर्क करती हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद है हमारा शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गेट में और नेट में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं इसके रिगार्डिंग, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स, ये शॉर्ट सर्किटिंग की जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके तो लेट्स सी लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सपोज हमारे पास अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं, तो उन कंडीशंस का हमें एक डिसीजन फाइंड आउट करना है। सी, जब हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन होता है तो एक्सप्रेशन में अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। उन कंडीशन की वैल्यू हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या फिर हम उसको ऐसे बोलते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो 0 है या 1 है, राइट। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स उसमें यूज होते हैं टू फाइंड आउट द रिजल्ट, टू मेक सम डिसीजन, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड द लास्ट इज नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो जो ये सिंबल्स हैं, इस डबल सिंबल्स हम यूज करते हैं यहाँ पे, डबल एम्परसेंड फॉर लॉजिकल एंड, एंड यहाँ पे ऑपरेटर्स वर्टिकल लाइंस हम यूज करते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए, ठीक है। एंड नॉट ऑपरेटर को हम यूज करते हैं फॉर द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास एंड ऑपरेटर, द फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर। अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है कि एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा इट इज ट्रू ओनली इफ ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू, मीन्स कि इसके जितने भी ऑपरेंड्स हैं वो अगर ट्रू है उस केस में ही हमारा जो एंड रिजल्ट है एंड ऑपरेटर का वो ट्रू आएगा। वो कैसे पता चलेगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेबल दिया हुआ है, तो टेबल में हमारे पास एक्सप्रेशन है एंड आउटकम है। तो एक्सप्रेशन सपोज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स क्या होता है। जो ह्यूमन लैंग्वेज बोलता है, जैसे हम इंग्लिश या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर को कभी समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज, राइट। बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है जिसमें सिर्फ हमारे पास दो डिजिट्स होती हैं, टू डिजिट्स ओनली, 0 एंड 1। तो जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 एंड 1 के फॉर्म में ही समझ सकता है। तो जो भी हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, तो वो कन्वर्ट होता है फर्स्टली इनटू बाइनरी लैंग्वेज। तो हमारे पास जो भी यहाँ पे हम जो ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं, तो इनकी आउटपुट क्या आती है, जो आउटकम होगी वो या तो 0 होगी या 1 होगी। तो जो 1 है उसको हम ट्रू की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो 0 है उसको हम फॉल्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सपोज एक्सप्रेशन है, अगर हमारे पास वैल्यू ट्रू है मीन्स 1, और 1 को हम एंड कर रहे हैं मीन्स 1 को हम 1 के साथ अगर हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो हमारे पास हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। मीन्स कि जो ट्रू और ट्रू को अगर हम एंड ऑपरेटर लगा के उसकी आउटपुट अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसकी आउटपुट हमेशा क्या आएगी, 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रू को फॉल्स के साथ एंड करवा रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो एंड ऑपरेटर होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑपरेंड्स को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, अगर हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा, राइट। अगर हम 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। सेम अगर हम 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, 0। तो आप एंड ऑपरेटर को एज अ मल्टीप्लायर समझ सकते हो कि जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ट्रू एंड विद 1 इज 1, एंड ट्रू एंड विद फॉल्स इज फॉल्स, एंड फॉल्स को जब हम फॉल्स के साथ एंड कर रहे हैं तो फॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब एक और केस होता है, सपोज हमारे पास वैल्यू मिसिंग है, तो क्या है, अगर हमारे पास ट्रू है, अगर हम ट्रू को एंड कर रहे हैं, सपोज मिसिंग वैल्यू इज एक्स, लेट्स सी उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स, क्योंकि डिपेंड करेगा हमारे पास एंड ऑपरेटर डिपेंड करेगा कि उसका जो ऑपरेंड है वो क्या है, 1 है एक ऑपरेंड,
तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो 0 आ रहा है, अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है. तो इट डिपेंड्स कि जो हमारा मिसिंग ऑपरेंड है उसकी वैल्यू क्या है. ठीक है, दैट इज वाई द आउटकम इज एक्स. उसके बाद सपोज मिसिंग को हम एंड कर रहे हैं मिसिंग के साथ तो आउटकम क्या आएगी, मिसिंग. ठीक है, उसके बाद अगर हम 0 को एंड कर रहे हैं विद मिसिंग के साथ तो आउटपुट आउटपुट क्या आएगी हमारी, 0, क्योंकि 0 एंड विद एनीथिंग इज 0. ठीक है, तो ये समझ में आया. अब यहाँ से हमें आउटकम से एक चीज समझ में आ रही है कि जो आउटकम आ रही है वो सिर्फ एक ही केस में ट्रू आ रही है. कौन से केस में, व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स और ऑल द ऑपरेंड्स ऑफ द एक्सप्रेशन आर ट्रू. जब दोनों ऑपरेंड्स या जितने भी ऑपरेंड्स हमारे एक्सप्रेशन में अवेलेबल हैं अगर वो सारे के सारे ट्रू हैं, उनकी वैल्यू अगर 1 है, उस केस में ही हमारे आउटपुट ट्रू आ रही है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी हम इसी तरीके से देते हैं कि एंड ऑपरेटर की जो आउटकम है दैट इज ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रू. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम एंड ऑपरेटर के साथ. उसके बाद सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज वी हैव इफ सी, हमने कोई एक सी वेरिएबल लिया है उसकी वैल्यू ने 5 ली है, एंड अगर हम एक डी ऑपरेट ऑपरेंड ले रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं सॉरी, उसकी वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, तो हमारे पास प्रोग्राम में आगे कंडीशन है. कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारे पास सी इज इक्वल टू 5. हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर सी 5 है, 5 के बराबर है, यस सी, देखो यहाँ पे हमने 5 लिया तो 5 इज इक्वल टू 5, दैट इज ट्रू. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई पूरे की, हमारे पास ट्रू आ गई. और ट्रू को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं विद, यहाँ पे क्या है, डी इज ग्रेटर देन 5. अब डी क्या है, हमारे पास 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 5, इज इट ट्रू और फॉल्स, दिस इज फॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया. तो ट्रू एंड विद फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, दैट इज वाई द आउटकम we have is false. इसके बाद और ऑपरेटर है हमारा सेकेंड ऑपरेटर. तो और ऑपरेटर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो कैसे होगा, ट्रू ओनली इफ आइदर वन ऑपरेंड इज ट्रू. मीन्स कि अगर ये इस और ऑपरेटर अगर हम लेके चल रहे हैं तो उसकी आउटकम ट्रू किस केस में आएगी, अगर कोई भी ऑपरेंड ट्रू रहता है, आइदर इट इज वन ऑपरेंड और ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू. ठीक है, तो ये हम टेबल से समझ लेते हैं कि कैसे होता है. तो टेबल में क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 और विद 1 इज इक्वल टू 1. इसको और ऑपरेटर को आप ऐसे समझ सकते हो कि हम इसमें प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो 1 और विद 1 इज इक्वल टू 1, एंड 1 और विद 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, राइट. ठीक है, 0 प्लस 0 यहाँ पे इस केस में ही है, सिर्फ फॉल्स होगा. फॉल्स किस केस में होगा, व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स और ऑल द ऑपरेंड्स ऑफ और ऑपरेटर आर 0. ठीक है, 1 प्लस मिसिंग, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1, क्योंकि 1 है हमारे पास एक ऑपरेंड. ठीक है, x प्लस x इज इक्वल टू x. ओके, इसके बाद अगर हमारे पास फॉल्स प्लस x है तो इट डिपेंड्स कि x की वैल्यू क्या है, राइट. और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम रिप्रेजेंट इसको इस तरीके से करेंगे. एग्जांपल देख लेते हैं इसकी. तो अगर हमारे पास वेरिएबल एक सी लेके चल रहे हैं, उसकी वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 2 है, और हमारे पास यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है सी इज इक्वल टू 5, मीन्स 5 इज इक्वल टू 5, इज इट ट्रू, यस इट्स ट्रू. और ऑपरेटर डी इज ग्रेटर देन 5, नो, तो ये क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स. तो ट्रू और विद फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू इन केस ऑफ और ऑपरेटर. ठीक है, दैट्स वाई आउटपुट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, ट्रू. इसके बाद है नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर हमारा बहुत ही ईजी है. इसमें इसमें क्या करना होता है, सिंपली जो भी लॉजिकल स्टेट है किसी भी ऑपरेंट की उसको रिवर्स कर देगा. इफ वी हैव 0 देन आउटकम विल बी 1. अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है कि अगर हमारे पास ऑपरेंड की वैल्यू 1 है तो ये क्या कर देगा, 0 कर देगा, रिवर्स कर देगा, सिर्फ उल्टा कर देगा. ठीक है, अगर 0 है तो आउटपुट क्या है, हमारे पास 1 आएगी. ठीक है, ऑपरेटर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ऑपरेटर से. अब एग्जाम्पल है, जैसे सपोज इफ c इज इक्वल टू 5, अगर हमने इस कंडीशन में अगर 5 इज इक्वल टू 5 तो ये क्या है, वैल्यू ट्रू है. तो अगर हम नॉट ऑपरेटर लगा रहे हैं इस पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. तो दैट इज वाई द आउटपुट हियर इज फॉल्स. ओके,
उसके बाद शॉर्ट सर्किटिंग, अब हमने ऑपरेटर्स देख लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी वैल्यूज किस तरीके से आती हैं, वो हमने पढ़ लिया है। बट यहाँ पे अगर हम शॉर्ट सर्किटिंग की बात करें तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? तो शॉर्ट सर्किटिंग इज ए फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी है एक सी लैंग्वेज की, जिसमें हम अपना इवेल्युएटिंग पार्ट, जो हम कंडीशन ले रहे हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो उसका कुछ पार्ट वी कैन स्किप इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, कि हमने कुछ कुछ एक शॉर्ट रास्ता ले लिया है, हमने पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग लॉजिक इज व्हेन यू नो फॉर श्योर दैट एन एंटायर कॉम्प्लेक्स कंडीशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स, कि आपको पहले पूरी कंडीशन आपने नहीं चेक की है, बट कुछ पार्ट से ही आपको पता चल गया है कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, द एंड रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। जब आप इस बारे में श्योर हो जाओगे तो आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो, आपको पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारी जो कैलकुलेशन है, जो अननेसेसरी कैलकुलेशन है, वो हमारी बच जाएंगी, हमारा टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। किस तरीके से होती है ये, ओके, तो दो कंडीशंस हैं हमारे पास, दो ऑपरेटर्स हैं, उसमें हम शॉर्ट सर्किटिंग किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अगर हमारा ऑपरेटर एंड ऑपरेटर है तो उसमें किस तरीके से करेंगे, तो क्या है, हमें पता है जैसे कि एंड ऑपरेटर की जो आउटकम है, जो आउटपुट होती है, वो ट्रू आती है उस केस में जब लेफ्ट एंड राइट, जब हमारे पास बोथ ऑपरेटर्स ट्रू होंगे। सपोज हमारे पास एक ऑपरेटर ए है, ऑपरेंड ए है, एक बी है, और दोनों क्या है हमारे पास, वन है, तो हमें पता है फॉर श्योर कि इनकी जो वैल्यू है एंड के केस में वन आएगी। बट अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑपरेटर जीरो हुआ, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसकी जो वैल्यू है वो जीरो ही आएगी, मीन्स फॉल्स आएगी। तो हम शॉर्ट सर्किटिंग अप्लाई करते हुए ये चेक करेंगे कि अगर एंड ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में से कोई भी एक जीरो है तो वो जीरो आएगा, उसका हमें नेक्स्ट पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, इफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एंड ऑपरेटर गिव फॉल्स, सपोज हमें हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड है एंड एक एक्सप्रेशन की एक राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये फॉल्स है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी, क्योंकि जीरो एंड विद एनी थिंग इज जीरो, तो हमें पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वी कैन से दैट फॉल्स एंड विद एक्स इज इक्वल टू फॉल्स ऑलवेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंड ऑपरेटर में शॉर्ट सर्किटिंग अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें और ऑपरेटर की, तो उसमें कैसे होगा, हमें पता है कि और ऑपरेटर की वैल्यू जो है फॉल्स उस केस में होती है अगर हमारा दोनों ही ऑपरेंड फॉल्स है, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स है, इस केस में वन अगर दोनों साइड है तो उसी केस में ट्रू आएगी, अगर इसमें क्या है दोनों साइड जीरो, तो उसी केस में हमारे पास क्या है आउटपुट जीरो आएगी। तो अगर हम और ऑपरेटर की बात कर रहे हैं और हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में से कोई भी वन आ गया, सपोज लेफ्ट साइड हैंड साइड वन आ गई वैल्यू, तो हमें फॉर श्योर पता है कि इसकी जो ओवरऑल आउटकम है वो वन ही होगी, तो हमें राइट हैंड साइड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वी कैन शॉर्ट सर्किट। तो इस तरीके से हम जो राइट साइड है इस एक्सप्रेशन की, वी कैन जस्ट स्किप दैट साइड।